गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। जा टिंकुल दी, ओ टिंकुल दी, वोट हुआ, वोट वोट दिलेंगी ना दाणिया? कब जाना है फूज में पे आदमी? हाँ तुम कका दे रहा, तुम कका दे रहा। बैठ बैठ यहीं पे बैठ, उठाना आया आप, ठीक है ना? उधर मत आना। हाँ मारून फिर मिथा मारून फिर। हाँ ओ बोर्ड देना हला, चल मैं भी चलूंगा, साथ ही चलते हैं। रुक जाओ मैं भी आऊंगा ना, इनको छोड़ के चलते हैं। मुगली का कर तैयार, क्या होना है पेंट पहनना है बस। और दोस्तों विनोद जी यहाँ पे बन ठन के आ चुके हैं, आज वोट देने के लिए जा रहे हैं। विनोद जी आप वोट करने जा रहे हैं, जनता जानना चाहती है कि आप किसको वोट करेंगे, बता दो सही। किसको वोट करेंगे विनोद जी आप? किसी को नहीं। अबे साले। तो गाइज आज हम अपने वहाँ की जो सबसे खूबसूरत रोड है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है ये रोड, तो इसी रोड में चलते चलते हम आज पोलिंग बूथ तक जाएंगे। तो दगड़ियों मैं भी रेडी हो चुका हूँ और मैंने अपनी मतदाता पर्ची और वोटर आईडी कार्ड रख लिया है। देखो किस कितना बांध लग रहा हूँ इसमें मैं। और अब हम जा रहे हैं वोट करने। तो गाइज हम यहाँ से 4 लोग हैं, 4 वोटर। कुणाल के पापा भी बन ठन के आ चुके हैं दगड़ियों। सुनीता के नाम भी एक यूनिक रिकॉर्ड बन गया है दगड़ियों, पापा बनने के बाद इनका पहला वोट है दगड़ियों आज। तो आपको बहुत बहुत बधाई है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलो तो हम 4 लोग, पवन पाठक, सुनीता हमारे और हमारे गोकुल दद्दा और विनोद भाई हमारे, इनो का खजल है वोट। वोट यार तो वो तो गुप्त हुआ यार, मेरा गुप्त है वो, कहते मतदान गुप्त है मेरा, गुप्त है ना। वोट मैं उसी को दूंगा जो मीता बल करो, वो मेरा रोड सुधारा। हाँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे वहाँ की जो ये रोड है, आप देख सकते हैं इस रोड में हर एक पार्टी का नेता और उनके चेले चपाटे प्रचार वचार करने के लिए आए। तो क्या उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया होगा? क्या वो लोग इस रोड पे नहीं चलते हैं दोस्तों? बाकी आप खुद समझदार हैं। इस खूबसूरत रोड में चलते हुए हम वोट करने जा रहे हैं दगड़ियों। जो हमारा वोटिंग स्थल है दगड़ियों वो है GIC, जहां से हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा 12th तक हमने वहां पढ़ाया दगड़ियों। दहा से हम पास आउट हुए थे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी वोट देने जा रहे होंगे दगड़ियों, ठीक है? तो वोट देने जरूर जाएं, चाहे किसी भी पार्टी को दें, किसी भी प्रत्याशी को दें, लेकिन वोट देने जरूर जाएं दोस्तों। ये मत सोचे कि यार हमारे वोट से क्या हो रहा है, एक वोट से कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा। कई लोगों की ये मेंटालिटी भी होती है कि मैं वोटर क्यों ना, तो ऐसा नहीं सोचना है आपको। अगर ऐसी हर एक बंदा सोचने लग जाएगा तो फिर वोट करने कौन जाएगा, फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा दगड़ियों? लोकतंत्र में तो यही होता है ना, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, हम ही लोग उनको चुनते हैं। तो अगर हम ही लोग घर से बाहर ही निकलेंगे तो फिर ऐसे ना हो पाएगा, ठीक है? तो वोट करने जरूर जाएं दगड़ियों। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इस जगह का नाम है मंगल पड़ाव। तुम्हारे हल्द्वानी में ही नहीं है, हमारे वहाँ भी मंगल पड़ाव है दगड़ियों। आप देख सकते हैं मंगल पड़ाव में इतनी दुकानें हैं। अरे संतोष जी वोट करने नहीं जा रहे हो आप? अच्छा प्रकाश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। वर्मा सुनारा मेरी 2.5 तोले, सॉरी वर्मा सुनारा मेरी डबल बेड बढ़ा दे। मंगसिरा कमैणा हाँ लगना कदी ना, तू जल्दी बढ़ा दे दीपटा लगंच मेरा जल्दी बना दे। दगड़ियों हमारे वहाँ का स्कूल का शॉर्टकट है, जब हम पढ़ते थे तो यहीं से क्लास बंक करते थे। तो फाइनली दगड़ियों हम वोट करके आ गए। सब अपने अपने आंगुल दिखा दो रे, जहाँ जहाँ शाही लगे। ये देखो हमने वोट कर दिया दोस्तों, और आप लोग भी वोट करने जाइए और बटन दबा के आइए दगड़ियों, ठीक है? अब कौन सा बटन दबाना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बटन दबाना जरूर है। और बहुत बढ़िया, नमस्कार, और ठीक ठाक वोट देने की जाओ, फिर भीड़ होने। अरे सुनीता कह बरमान मानी। कुणाल के पापा ने मेरे लिए नमकीन ले रखी है दोस्तों, पहले मतदान फिर जलपान। दोस्त
घरवाले मान्छे हेर यहाँ खाना कन्ट भिङ पनि त्यति यार याद आयो त्यो ठुलो हेर्छु त खाऊ 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 यार खाऊ खाऊ 5 रुपए वाले में से हम तीनों बांट के खा रहे हैं, बताओ कितना प्रेम है हम में। डिंपू तूने गीला बोर देने की, तूने गई बोर देने की, तो कहीं घर बैठी बैठी सब मिल जाना, तो कहीं चाहिए बोर न सरकार किसी की भी आए मेरे को तो दुद्दू मिलते रहेगा है ना। दाल ले गोहत की दाल, गर्मा गर्म गोहत की दाल खा खा शाबाश, पथरी कटती है से। हाँ क्या लीजिए चूल्हा रोट ले खा वकीड़ शाबाश। तो गाइस खाना वाना खाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ जडजा के वहाँ और देखते हैं वहाँ पे क्या सीन शॉट चल रहा है, जडजा की चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग है, क्या सोचना है, कब तक वोट करने जा रही है, ये सब मैं जडजा से पूछूंगा। जडजा हमारे गांव की एक जागरूक मतदाता है दगड़ियो, मतलब पीठासीन अधिकारी बनने लाया गया दगड़ियो। झूठ बोल रहा है। प्रणाम, कैसे हो? ठीक हो? वोट देने नहीं जा रहे हो क्या? हैं कब जा रहे हो फिर? तो भनगो ना फिर उन्होंने, तो बाद में मजी जाए है वो जो नेता होना ही भोट दिया, भोट जाएगा वो मजार ठीक को तो खाने की जदूहन ने। हाँ बिल्कुल सही बात। अब आज को पूछना है तुमन का देखने के उन्हें सही बात। कितने साल की उम्र हो गई है आपकी? 55 साल। क्या क्या लेके जाना है वहाँ वोटिंग बूथ पे? वोटिंग में वोटर का आईडिया। हाँ आईडिया। हाँ और मतदान एयरटेल। मतदान एयरटेल ठीक है। मास्क, मास्क देना, दो गज की दूरी मास्क जरूरी साबर। तो दोस्तों अभी शाम के 3:30 हो रखे हैं और आमा भी वोट करके आ गई है हमारी। आमा दिया हा वोट। जय भीड़ का दो रही कम है रेल ठीक था। और शाही लगा है ना? कौन हाथ में लगा है? वो हाथ मणी ये देखो दोस्तों। आ गया शाही। यो यो, यो। तो ये देखो दोस्तों। दिखना ये मैं वो गयो। ये, अम्मा ने भी वोट किया, काली पड़ गई है। क्या लो है रो क्या तो? ए, यो हो यो मैं दगड़े। यो 5 साल कर यार अब यार। ग्राम प्रधान करो। दोस्तों हमारी फैमिली में लगभग सबने वोट कर दिया है, मम्मी पापा विनोद जी जडजा मैंने सबने वोट कर लिया, सिर्फ ताऊ जी बचे थे और वो अभी गए हैं दोस्तों सांस पड़ने टाइम पे, तो मेरे को लग रहा है कि वो वोट भी करेंगे और साथ में पोलिंग बूथ वालों के साथ पार्टी करके आएंगे। क्या कहती है ताई जी? पापा जा रही क्या?